जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। नवीली, झूठ क्यों कह रही हो? मुझे अच्छे से याद है, तुम अपनी बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी फोन पर और तुमने उसे कहा कि आज रात को तुम्हारे साथ नहीं भागा तो तुम महाशिवरात्रि का राज खोल दोगी। नवेली, मुझे याद है तुमने कहा था कि सरस्वती देवी को तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक आंख भी नहीं भाता था और शिवरात्रि की रात तो सरस्वती दी। आगे कब तक शक करते रहोगे तुम मुझ पे? हाँ, मैंने माना कि मैं फोन पे ऐसे बातें कर रही थी, लेकिन मैं अपनी सहेली चांदनी के साथ डायलॉग रिहर्स कर रही थी। 10 दिन बाद तुम्हारा नाटक ऑनलाइन लाइव है और नाटक में कुछ ऐसे सीन्स थे जिसमें मैं प्रेमी के साथ भाग रही हूँ। नील भाई जी, मैं चाहत को सफाई देते देते थक चुकी हूँ। अब अगर आपको भी मुझ पे शक हो रहा है तो मैं आपको चांदनी का नंबर भेज देती हूँ, आप उससे खुद बात कर लीजिए। नहीं 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 नवीली, नवीली प्लीज ऐसा मत कहो, हम सब भूल जाओ, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, हम कोई शक नहीं है तुम पर, मैं बल्कि चांद की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। और तुम प्लीज अपना मूड खराब मत करना, तुम्हारा कल रोका है, ओके? तुम आराम करो एंड जस्ट बी हैप्पी। हम बाद में बात करते हैं। क्या है सब? तुम मुझे कितना शर्मिंदा करोगे मेरी बहन के सामने? नहीं, मैं झूठ नहीं कह रही, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे समझाऊं। मुझे तुम्हें समझना नहीं है चाहत, एंड ऑफ डिस्कशन, इस टॉपिक के बारे में मुझे बात नहीं करनी, अभी चुपचाप घर चलते हैं, ओके? जीजा जी चले। नीलकंठ, मैं अपनी गाड़ी लेकर आया हूँ, तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है। अक्टूबर से देखिए दो नई कहानियाँ, बाबा की रानी बनेगी जयपुर की महारानी और नव्या की सास बनेगी उसकी सबसे बड़ी आस, शाम 7 और रात 7:30 बजे। बोलो, चाहत गए क्या नील भाई जी के साथ? अरे क्या बावलापन छा, बाल बाल बच गए आज हम। लेकिन अब तो खतरा टल गया ना प्रमुख जी, आप टेंशन मत लीजिए, आगे से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम दोनों यहाँ से कहीं दूर जाके अपनी छोटी सी दुनिया बसाएंगे। आप रुकिए, मैं बस जल्दी से निकलती हूँ। मंत की पदवी तक पहुंचने की सीढ़ी थी तू मेरे लिए, आज उसी गद्दी से दूर करेगी तू मुझे, भेजने वाला हूं तुझे भी वही एक अलग दुनिया में, यहां से बहुत दूर। आज जानेगी तू कि मैं वो आलेख हूं जिसे ना तो कोई बाँच पाया, जिसे ना तो कोई बच पाया। ये सब क्या चल रहा है चाहत? तुम हर दिन नवेली के पीछे पड़ जाती हो। पीछे पड़ जाती हो और नहीं तो क्या? अगर मैं पीछे नहीं पड़ती और कल को कोई ऊंच नीच हो जाती तो फिर, और अगर ऐसे में नवेली के साथ कुछ हो जाता तो व्यास जी तो कितना शर्मिंदा हो जाते, और मैं सबके सामने व्यास जी का सर कभी झुकने नहीं दूंगी। ओ शेजवान, तुम कमाल हो, तुम व्यास जी को लेकर इतना सेंटी क्यों हो जाती हो? मैं खुद उनके बारे में इतना नहीं सोचता, तुम क्यों सोच रही हो? बेटियां होती है ऐसी, आप नहीं समझेंगे। मैं नहीं समझूंगा? नहीं, तुम ये कह रही हो कि मैं नहीं समझूंगा? हाँ, मैं यही कह रही हूँ। भक्स को देखा है मैंने, व्यास जी का इतना ख्याल रखती थी, उनके बारे में सोचती थी, फिकर करती थी उनकी। एनीवे, देखो चाहत, हमें हमारे पास नवेली के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो इस टॉपिक को इधर ही खत्म करो ना यार, क्यों डिस्कस करी उसके बारे में? और अब प्लीज इस टॉपिक को हमेशा के लिए भूल जाओ। और वैसे भी चाहत, नवेली ने मेरी कसम ली है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि नवेली कभी मेरी झूठी कसम नहीं लेगी। समझ सकती हूँ मैं,
कि अपनी बहन पर आप शक नहीं करना चाहते, लेकिन हुजूरे पाक की एक हदीस है, ये कहती है कि अगर कोई बात बिना सबूत के महज जुबान से बोली जाए तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और फिर नवेली की अपनी भलाई के लिए उस पर नजर रखनी बहुत जरूरी है। मैं आ गई प्रमुख जी। देखा, मैंने कहा था ना कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नील और चाहत को भी यहाँ से रफा दफा होना पड़ा और आप पर भी किसी को शक नहीं गया। अब तो हम आराम से यहाँ से भाग के शादी कर सकते हैं। बेवकूफ! आ जा दिमाग वाली! बेवकूफ लड़की, तेरी वजह से आज मैं पकड़ा जाता। मेरे सालों की छवि को मिट्टी में मिलाने पर तुली है। मेरे और मोहन की बदली के बीच में आएगी तू, दीवार बनेगी। गिरा दो ये दीवार, भेज तू वहीं पे जा सरस्वती को भेजा था। बोलेगी तू? बोल। अगर जिंदा रहना चाहती है ना तो जो मैं बोलता हूँ वो कर, मेरे चरणों को अपना स्वर्ग बना ले या तो मैं तुझे नरक में भेजने के लिए तैयार खड़ा हूँ। शेजवान, किस सोच में पड़ गई हो तुम? अच्छा अभी सुनो, आज के बाद नवेली को लेके नो जासूसी और व्यास जी के बारे में इतना मत सोचो। अरे ये कैसी बात हुई, बड़ों की फिक्र कैसे ना करें, उन्हीं से तो हमारी पहचान होती है ना। ओह एक्सक्यूज मी, मैंने अपनी पहचान खुद बनाई है शेजवान। वाह, बड़े तीसमार खान समझते आप अपने आप को नील। वैसे नील आप खुद बताइए, आप है कौन? आई चैलेंज यू, व्यास जी का नाम इस्तेमाल किए बिना एक दिन सरवाइव नहीं कर सकते हैं आप। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? हाँ। चैलेंज एक्सेप्टेड। और वैसे भी मैंने उनके नाम का कोई फायदा नहीं उठाया, और एक और दिन उनके नाम का बिना इस्तेमाल किए मैं गुजार सकता हूँ। और देखना आप ये चैलेंज जरूर हार जाएंगे। ओह यार, तुम्हारा ड्रामा खत्म नहीं होने वाला, इससे पहले तुम और बकवास करो मैं रेडियो शुरू कर रहा हूँ। एटलीस्ट तुम्हारा बकवास तो नहीं सुनना पड़ेगा मुझे। हाँ, मुझे भी आपकी बकवास नहीं सुननी। कभी मेरे साथ कोई रात
सड़े सड़े हुए गाने बज रहे रेडियो पे, इससे अच्छा रेडियो ही बंद कर देता हूँ मैं, बंद ही कर दिया मैंने। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।